करेले की सब्जी, जिसके लिए आपको चाहिए एक कप तेल, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची स्वाद अनुसार, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ी चम्मच आमचूर पाउडर, दो बड़ी चम्मच नमक, इसमें नमक का काफ़ी प्रयोग होता है, एक बड़ी चम्मच चीनी, एक नींबू, एक बड़ी चम्मच सौंफ। अब 9 से 10 करेले लीजिए, इसे धो के साफ़ कर लीजिए, इसके बीज निकाल लीजिए और इसे बारीक काट लीजिए। यदि आपका करेला मोटा है तो उसका छिकल भी निकाल के अलग कर दीजिए। ये मैंने इसे बारीक काट लिया है। अब इसमें मैं नमक डाल के 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी, जिससे कि इसका कड़वा पानी निकल जाएगा, काफ़ी कम हद तक कम हो जाएगा, और उसे निचोड़ लीजिए। अब पैन में मैंने तेल गर्म करने को रखा हुआ है, इसमें मैंने सौंफ डाला। सौंफ को ब्राउन होने पर मैं करेले को डाल दूंगी। ये देखिए, ये ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैंने करेला इसमें डाल दिया और इसे पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। ये हल्दी पाउडर डाला, अब मैं इसी के साथ पकाऊंगी जब तक कि ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। जैसे ही ये ब्राउन कलर का होने लगे हो जाए, इसमें आप धनिया पाउडर डालिए और मिर्ची डालिए और थोड़ी देर और पकाइए। ये पक गया है। अब मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है और चीनी भी डाल देंगे और इसे पकाएंगे। पकने के बाद इसमें थोड़ी देर पकने के बाद इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। ये आपका खट्टा मीठा करेला बनके तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।